वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आया हुआ था छत पर और ये देख सकते हैं कि बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और धूप वगैरह बहुत तेज़ हो गई है और दो दिन हो गया काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो हमारे बर्ड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है, हवा भी नहीं चलती है, बस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। मैं तो उनको ना दोपहर के टाइम आके ना एक बार उनको ना पाइप लगा लेता हूँ यहाँ पे नलके पे ना पाइप लगा के ना, तो फिर उनको एक बार नहलाता हूँ अच्छी तरह से सारे ज़रा उनके लिए, मतलब कि जो गुजरना ना उनका जो दिन है वो ज़्यादा अच्छा गुजर जाए। मैं ना ये जो हमारे चूजे हैं ना ये वाले मुर्गी के साथ जो हैं इनका छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये ना बाहर रहने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं तो इनका छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने गेट खोल दिया तो वो जैसे माशाल्लाह से बाहर आके देखिए कितना खुश होते हैं ये, और इस साइड पर जाके ना वो पत्ते वगैरह खाएंगे। और यहाँ पर मैंने ना ये देखिए थोड़ी सी ना मट्टी वगैरह थोड़ी सी फेंकी है, ये देखें मट्टी फेंकी यहाँ पे ये खेलते रहते हैं और ये गीली कर लेता हूँ, और यहीं पर ना ये ठंडे ठंडी जगह हो जाती है, जिसकी वजह से ना ये जब धूप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर ये चूजे बैठ जाते हैं, तो इसलिए ये गर्मी से बच जाते हैं। कल ना मैडम के चूजे निकलना शुरू हो गए थे, तो अब हम मैडम के पास चलते हैं और देखते हैं उसके जो चूजे हैं वो कितने निकले हैं। तो मैडम के केज के पास मैं आ चुका हूँ, अब उसके अंदर हम एंटर होते हैं और मैडम के केज के अंदर भी एंटर होते हैं। ये देख सकते हैं मैं मैडम के केज के अंदर एंटर हो गया हूँ, और ये देखें हमारी जो मैडम है ना ये देखें यहाँ बैठी हुई है, और माशाल्लाह ये देख सकते हैं चिक्स भी हैं वो सारे निकल चुके हैं देखें, और जो अंडे के शेल्स हैं देखिए उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उसके, कितने ज़्यादा देखें देखिए उसके किस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो सारे निकल चुके हैं देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा, उनको बाहर छोड़ते हैं और अंडा माशाल्लाह से देख सकते हैं कोई भी ज़ाया नहीं हुआ। और अब हम चूल्हों को जो है ना बाहर छोड़ते हैं इस जगह पर, तो ये देख सकते हैं मैं चूल्हों को बाहर छोड़ा हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से देखिए कितने ज़्यादा, और देखिए कुछ तो खुद ही आ गया एक, और ये देखें कितने ज़्यादा चूल्हे हैं यार, ये देखें बहुत अच्छे बड़े बड़े प्यारे कलर के चूजे हैं, देखें व्हाइट कलर के भी हैं अंदर ऊपर से, ये देखें ये वाला बड़ा प्यारा निकला, ये देखें ये वाला कितना प्यारा निकला स्लेटा सा, इसको भी हम छोड़ देते हैं। और अब हमारे पास ये देखें, अब ये गिनती करता हूँ कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये माशाल्लाह से 17 चूजे माशाल्लाह से निकले हैं, और देखें जहाँ हम आज आ रहे हैं उसके पीछे पीछे जा रहे हैं माशाल्लाह से। मैं ना मैडम के सिपाही आ चुका हूँ और ना वो अपने ना बड़े बड़े सड़क पर जा रहा हूँ, और ये देख सकते हैं हमारे जो दो पिजन हैं ये देखें एक ही है और एक वो ना ये ऊपर बैठे हुए थे, तो ये अभी नीचे आए हैं। और अब हमने अपने रैबिट्स हैं ना जो चिंटू मिंटू उनको अब डालते हैं चारा, तो ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है देखिए खराब हो रहा है यहाँ पड़ा हुआ, तो इसको अब हम डालते हैं चारे को उनको, तो ये देख सकते हैं मैंने लकड़ियाँ साइड पर कर ली हैं, और ये देखे हमारे रैबिट्स बैठे हुए हैं और ये इसकी फीमेल जो है ये देखने बैठी हुई है, और अब हमने इनको ये डाल दिया सारा चारा, तो ये देख सकते हैं सारा चारा जो है मैंने अंदर डाल दिया, तो वो खा लेंगे सारा, और देखें देखें खाना शुरू हो चुके हैं देखें बहुत मज़े से ये चारा वगैरह खाते हैं। मैंने ना चिंटू मिंटू का दाना चारा वगैरह डाल दिया, तो हमारे तोते हैं ना ये स्टेजन्स वाले ये वाले, ये देख सकते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और इन्होंने देखे देखे पर वगैरह कैसे खोले हुए हैं, मुँह से देखे कैसे सांस ले रहे हैं, और ये वाले भी देख सकते हैं कैसे देखे सांस ले रहे हैं मुँह से, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और बस बहुत ज़्यादा हो गया, और धूप देख सकते हैं और ज़्यादा तेज़ हो गई है, ये देखें काफ़ी तेज़ हो गया, फिर सूरज भी बिल्कुल ऊपर आया होगा, और ये मुर्गी मैंने छोड़ी हुई है अपनी ये वाली ये रेड वाली मुर्गी है जो मैंने छोड़ी हुई है, ताकि ज़रा ये भी ना ज़रा खा पी ले और ये ज़रा घूमती रहती है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो केज है ना तो वो छोटा है, इसके साथ डालता हूँ ना तो ये सारे मारते हैं, जिसकी वजह से मैंने इनको फिर लग ही रखता हूँ। हमारे डाइविंग डब्स हैं ये वाली, जैसे सकते हैं ये भी ना गर्मी से नीचे आई हुई हैं, और ये बार बार आके पानी पी रही हैं, और ये बॉक्स में जाती हैं मगर अंडे नहीं दे रही, तो इनके इनके ऊपर तो शक पक्का हो गया कि ये मेल है दोनों, अब इसके लिए हमने न्यू फीमेल इंशाल्लाह लाएंगे ढूंढेगी, तो अभी तक तो मिल ही नहीं रही क्योंकि इनका सीज़न है सर्दियों में शुरू होता है, जिसकी वजह से इनके ना जो सीज़न है जब शुरू हो जाएगा वह हमें इनकी ना जो फीमेल है वो मिल जाएगी। हमारा ये वाला मुर्गा है ना ये वाला, ये जैसे तो कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, और इसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखिए मुँह वगैरह कैसे खोला हुआ है, और इसने पर भी अपने खोले हुए, देखिए मुँह का हाल देखें इसका कैसे मुँह खोल के सांस ले रहा है, और अजीब अजीब ना तरीके अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है मुँह से, तो अब मुझे लगता है कि इसको भी ना नहलाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई, मेरा खुद बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो हमने अपने जो बड़े बड़े चूजे हैं उनको देखते हैं, उनको भी देखते हैं कि उनकी क्या सूरत आ रहा है, उनके केज के बाद मैं आ चुका हूँ, अब इसके अंदर एंटर होते हैं, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह इनका तो केज देखें माशाल्लाह ठंडा है, क्योंकि इसके ऊपर जो मट्टी डली हुई है ना तो वो ज़रा बेहतर है, तो इसके लिए देखें इससे ना हमारे जो केज है ना ये ठंडे रहते हैं, तो इनको देखें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ये देखें पायलट को भी देख सकते हैं मैंने मुँह नहीं खोले हुए, तो हमारे जो दूसरे वाले मुँह काफ़ी ज़्यादा खोले हुए हैं, तो जिसकी वजह से ना उनको अब मैं ना पानी का छिड़काव करता हूँ। हमारे ये वाले चूजे हैं ना देखिए पानी पीने लग गए थे, तो ये मुर्गी आई है तो वो डर के वहाँ भाग गए हैं, और वो देखें दोबारा से आगे देखें पानी पीने लग गए हैं, देखें शुरू हो जाएंगे भी पानी पीना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हाँ बस की वजह से पानी ना बाहर आके पी लेते हैं, क्योंकि इनका जो पानी है ना वो फटाफट ये पी के ख़त्म कर देते हैं। मैं ना बर्ड वाले सेट कर वापस आ चुका हूँ, और जो हमारी वाली कॉकटेल की फीमेल है ना ये वाली
देखियो माशाल्लाह से बाहर आई हुई है और इसके जो मेल है वो अंडों पे बैठा हुआ है अंदर जाके। वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हबस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। अभी प्लीज़ इजाज़त देना।